जैसा कि हमने पिछले अध्याय में राजनीतिक दल और दबाव समूह के बारे में चर्चा की, आज हम वित्त आयोग का संगठन एवं कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। वित्त आयोग एक तरह से एक आवश्यकता है, संघीय संघवाद को स्थापित करने और संघवाद कायम रहे इस दृष्टि से भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राज्यों और संघ के बीच करों, राजस्व अनुदान के बीच में जो विभाजन हुआ उससे उत्पन्न अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का संवैधानिक प्रावधान है। इस प्रकार से वित्त आयोग का जन्म होता है। क्योंकि भारत एक संघात्मक शासन प्रणाली वाला देश है, किसी भी संघीय शासन के लिए उसके अनिवार्य लक्षणों में ये भी एक प्रावधान है कि केंद्र और उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य अधिकारों, कर्तव्यों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए। संघीय शासन व्यवस्था का ये लक्षण भारतवर्ष में भी पाया जाता है। भारत में संविधान द्वारा केंद्र और उसकी इकाइयों अर्थात राज्यों के कार्यों की स्पष्ट और विस्तृत व्यवस्था की गई है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची, जिसमें केंद्र और राज्यों का विधायी अधिकारों के संबंध का 3 सूचियों के माध्यम से विभाजन किया गया है। शक्तियों के विभाजन की ये योजना भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों से प्रभावित प्रतीत होती है। इस अधिनियम में ही विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन 3 सूचियों के माध्यम से किया गया है। विधायी शक्तियों का ये विभाजन इस प्रकार से तीन सूचियों के माध्यम से संघीय सूची, जो कि आरंभ में 97 विषय रखे गए संघीय सूची में 2 बढ़ाकर इसके 99 हो गए, जैसा कि रक्षा, वैदेशिक मामले, बैंकिंग, मुद्रा, केंद्रीय कर इत्यादि विषय सम्मिलित हैं जो राष्ट्रीय महत्व के हैं। दूसरा है राज्य सूची के विषय, जो 61 थे उनमें 5 घटाकर, क्योंकि 5 समवर्ती सूची में डाल दिए गए, वहाँ 47 थे, वहाँ 5 बढ़ाए तो 52 हो गए, और यहाँ 5 घटा दिए तो 66 के 5 माइनस करने पर 61 विषय हो गए। कहने का तात्पर्य, संघीय सूची के 97 विषय जो राष्ट्रीय महत्व के मामले हैं, इन पर विधि निर्माण की अनन्य शक्ति संघीय सरकार को प्राप्त है, और राज्य सूची के जो विषय हैं उन्हें 66 थे जो अब 61 रह गए हैं, 5 समवर्ती सूची में डाल दिए गए और 5 इधर माइनस 5 करके 61 विषय हो गए। सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, कृषि, वन और राज्य में लगने वाले कर इत्यादि इस सूची के संलग्न विषय हैं जो राज्य के लिए महत्व के हैं। इन पर विधि निर्माण की शक्ति राज्य के विधानमंडल को प्राप्त है और इन पे कर लगाने का अधिकार भी राज्य को अधिकार है। तृतीय सूची के रूप में हम समवर्ती सूची के रूप में लेते हैं, जो पहले 47 थी, राज्य सूची में से 5 घटाकर इधर 5 जोड़े गए, वो 47 विषय प्लस 5 52 हो गए। इस सूची में फौजदारी कानून, प्रक्रिया, विवाह अनुबंध, न्यास, बीमा, श्रमिकों का कल्याण, शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक नियोजन आदि विषय सम्मिलित हैं, जो संघ और राज्य
दोनों के लिए समान महत्व के हैं। इस सूची पर विधि निर्माण की शक्ति संघीय व्यवस्थापिका और राज्यों की व्यवस्थापिका दोनों को प्राप्त है, लेकिन संविधान में यह प्रावधान है कि संघ सरकार और राज्य सरकार द्वारा एक ही विषय पर बनाई गई विधि में कोई मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो संघीय विधि मान्य समझी जाती है। इस संबंध में यह प्रावधान भी है कि राज्य की ऐसी विधि पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए जाने पर राज्य का कानून मान्य समझा जाएगा, किंतु ऐसी स्थिति में संघीय संसद को यह अधिकार होगा कि वह राज्य की ऐसी विधि को अपनी नई विधि के माध्यम से भी प्रभाव से शून्य कर सकेगी, वॉइड कर सकती है। इस प्रकार समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों को या संघ ये सरकार को दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, किंतु अगर राज्य उस पर कानून बनाता है तो उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के पश्चात ही वो विधि का स्वरूप ग्रहण लेगा या कानून का रूप ग्रहण। किंतु अगर उस विषय पर संसद भी कानून बना देती है तो वह राज्य सूची का जो विषय है वह शून्य हो जाएगा या वॉइड हो जाएगा। इस प्रकार से तीनों सूची के जो विषयों का बंटवारा है वह एक तरह से संघीय और राज्य के संबंध का स्पष्ट और विस्तृत व्यवस्था या उनके कार्य क्षेत्रों का स्पष्ट विभाजन को इंगित करता है, जिससे कोई विवाद वाली स्थिति उत्पन्न ही ना हो। भारत सरकार अधिनियम 1935 संघीय और राज्य वित्तीय संसाधनों के विभाजन का प्रावधान संघीय सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता अथवा अनुदान एवं करों से प्राप्त राशि का विभाजन के आधार जो इस प्रकार से हैं, विभिन्न राज्यों में असंतोष न हो, उनके विकास में असंतुलन न हो, उन्हें आवश्यकता व परिस्थितियों के अनुसार सहायता मिले और संघ राज्यों में सौहार्द बना रहे, इस दृष्टिकोण से भारत सरकार अधिनियम द्वारा संघीय सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता अनुदान और करों से प्राप्त राशि का स्पष्ट रूप से विभाजन के आधार है। यानी राज्यों में असंतोष का उत्पन्न नहीं हो, विकास में असंतुलन नहीं हो, उन्हें आवश्यकता व परिस्थिति के अनुसार सहायता मिले और संघ और राज्यों में सौहार्द बना रहे, इस दृष्टि से इनका विभाजन के जो आधार हैं वो स्पष्ट रूप से इस वित्त आयोग की जन्म की परिकल्पना को आधार रखते हुए इस वित्त आयोग का गठन या प्रादुर्भाव किया गया हुआ है। हमारे संविधान में संघ और सरकार के मध्य शक्तियों के विभाजन को तीन सूचियों के माध्यम से जो उक्त योजना प्रस्तुत की गई है उसे परिगणित विषयों के अलावा यदि कोई और विषय परिस्थितियों के प्रभाव से उत्पन्न हो जाए तो उसे परिगणना कहते हैं। परिगणना करने से रह गया हो, प्रभाव से उत्पन्न हो जाए या जो परिगणना से करने से रह गया हो, ऐसे विषयों के लिए एक अवशिष्ट सूची रेजिडरी लिस्ट बनाई गई है। इस अवशिष्ट सूची पर विधि निर्माण की शक्ति भी संघीय सरकार को उपलब्ध है। अगर कोई विषय रह जाता है, छूटता है, इन विषयों में नहीं आता है तो उसे एक अवशिष्ट सूची के माध्यम से जिस पे संघीय सरकार ही कानून बना सकती है वह भी बनाई जा सकती है। भारत सरकार भारत के वर्तमान संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों को अपनाते हुए संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय साधनों के आवंटन के पर्याप्त व्यापक प्रावधान किए गए हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने इन प्रावधानों का उल्लेख करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि संघात्मक व्यवस्था की दोनों इकाइयां के मध्य वित्तीय स्रोतों का बंटवारा इस तरह से किया जाए ताकि उसमें वितरण की समानता और न्याय संगतता दिखाई दे, असंतोष वाली स्थिति उत्पन्न नहीं हो।
राज्यों के बीच सौहार्द वाली जो स्थिति है वो बनी रहे। जैसा कि शासन के दोनों स्तरों पर केंद्रीय संसद और राज्यों के विधान मंडलों को कर लगाने से संबंधित शक्तियों का पृथक पृथक से संबंधित शक्तियां पृथक पृथक दी गई हैं। उदाहरणार्थ राज्यों के विधान मंडलों को जहां कृषि भूमि पर कर लगाने का अधिकार है, वहीं गैर कृषि भूमि पर कर लगाने का अधिकार केंद्रीय संसद को दिया गया है। इसी प्रकार अवशिष्ट रेजिडरी लिस्ट अवशिष्ट सूची में सामान्यतः कर लगाने का अधिकार भी संसद में ही निहित है। कर लगाने से संबंधित शक्तियों के बारे में उच्चतम न्यायालय ने इस स्थिति को इंगित करते हुए एक निर्णय में कहा गया है कि संघीय सूची में राजस्व के जो स्रोत आवंटित किए गए हैं वे केवल संघीय सरकार के अनन्य उपयोग के लिए नहीं बल्कि संविधान के प्रावधान के अंतर्गत संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन संघ और राज्यों के मध्य विभाजन है। इस प्रकार वे सभी कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं भारत की संचय निधि का भाग नहीं बनते बल्कि उनमें से अनेक करों से प्राप्त राशि को राज्यों के बीच वितरित किया जाता है। इस प्रकार वह राशि राज्यों की संचित निधि का भाग बनती है। यही नहीं, उन करों की राशि जो भारत की संचित निधि का भाग बनती है का भी उपयोग राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। संघ सरकार और राज्य सरकारों के बीच उक्त करों की राशि का बंटवारा या विभाजन जिन सिद्धांतों पर किया जाना है तथा जिन सिद्धांतों के आधार पर राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाना है उनका निश्चय एक उच्च शक्ति प्राप्त वित्त आयोग करेगा, जिसका निर्धारण हमारे संविधान निर्माताओं ने एक उत्तरदायी संस्था वित्त आयोग के रूप में किया। संविधान निर्माताओं ने यह अनुभव किया था कि राज्य को जो वित्तीय स्रोत उपलब्ध कराए गए हैं कदाचित उनके लिए पर्याप्त न हो, अतः भारत सरकार को उनकी कल्याणकारी गतिविधियों को वित्तीय रूप में से समर्थन देना होगा। संघीय सरकार की आय के स्रोत अनन्य रूप से संघीय गतिविधियों के लिए नहीं बल्कि दूसरे शब्दों में संघ और राज्य के लिए एक आंगिक इकाई का निर्माण करते हैं जिसके अंतर्गत आय के समस्त साधनों का संपूर्ण भारतवर्ष के हित के लिए उपयोग किया जा सकेगा। इस उच्चतम न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट होता है कि वित्त आयोग नामक उच्च अधिकार प्राप्त इस संस्था की आवश्यकता, उपयोगिता, प्रासंगिकता स्वयं स्पष्ट हो जाती है। इस निर्णय से यह उद्घाटित हो रहा है कि राज्य सरकारों को संविधान ने जो वित्तीय स्रोत उपलब्ध कराए हैं उनमें वे अपने संपूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन सफलतापूर्वक नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में यह स्वयं सिद्ध है कि उन्हें अतिरिक्त राजस्व के लिए संघीय सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। संविधान के विभिन्न प्रावधानों को देखते हुए स्पष्ट हो जाता है कि संघीय सरकार द्वारा आरोपित करों से प्राप्त राजस्व का कुछ भाग राज्यों में वितरित किया जाना है। प्रश्न ये उपस्थित होता है कि संघीय सरकार अपनी आय के साधनों में से कितना भाग किन आधारों पर कितने समय तक किस प्रकार राज्यों को वितरित करे। क्या सभी राज्यों को समान मात्रा में आर्थिक सहायता दी जाए? क्या इस प्रकार दी जाने वाली सहायता से संघ और राज्यों के संबंध में कोई मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं? क्या विभिन्न राज्यों को कार्यों के उत्तरदायित्वों में कोई अंतर नहीं है? इन समस्त तथ्यों का संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के संदर्भ में बदलती हुई परिस्थितियों के आलोक में समय समय पर मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है। जैसा कि अभी राजस्थान सरकार बार बार कहती है कि हमारे केंद्रीय करों में या GST में जो राजस्व आना चाहिए उसका हमें पेमेंट नहीं हो रहा, जिससे राज्य का विकास अवरुद्ध हो रहा है बार बार, क्योंकि केंद्र में दूसरे दल की सरकार है, राज्य में दूसरे दल की सरकार है। इसलिए राज्य सरकार बार बार ये मुद्दा उठाती है कि हमें बराबर रूप में GST का पैसा, राज्यों का हिस्से का जो पैसा है वो नहीं मिल रहा समय पर, जिससे विकास कार्य या हमारे राज्य की जो आर्थिक स्थिति है वो समय पर विकास कार्य पूरे करने में सक्षम नहीं है।
तो ऐसी स्थिति में इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ही वित्त आयोग का गठन किया जाना अपरिहार्य और आवश्यक है। यही कारण है कि भारत की संघीय व्यवस्था को गतिशील लोशील बनाए रखने की दृष्टि से और ऊपर उठाए गए विभिन्न प्रश्नों के समुचित समाधान की दृष्टि से ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर राष्ट्रपति द्वारा उचित सलाह देने के लिए संविधान में एक वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। जैसा कि अभी स्पष्ट किया गया है कि विभिन्न राज्यों में असंतोष न हो, उनके विकास पर असंतुलन न हो, उन्हें आवश्यकता व परिस्थितियों के अनुसार सहायता मिले, संघ राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, इस दृष्टि से वित्त आयोग का गठन किया जाना अपरिहार्य और आवश्यक है। जैसा कि वित्त आयोग संगठन संगठनात्मक संरचना जो संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत की गई है, भारत का संविधान अनुच्छेद 280 ये प्रावधान करता है कि वित्त आयोग की रचना की गई है, आयोग के कार्यों और कर्तव्यों का विवरण भी दिया गया है। प्रारंभ में संविधान में वित्त आयोग के तीन कार्यों का उल्लेख था और 73वें 74वें संविधान संशोधन के पश्चात इनके कार्यों में अभिवृद्धि भी की गई है। किंतु स्पष्ट है, अभी हम संगठनात्मक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं या हम अध्ययन कर रहे हैं, जो अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है, संवैधानिक प्रावधान है, वह अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। भारत की संघीय प्रणाली में उपर्युक्त वर्णित आवश्यकताओं को आश्वस्त करने हेतु भारत के संविधान में यह प्रावधान किया गया कि 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक पंचवर्ष की समाप्ति पर अथवा उससे पहले जब राष्ट्रपति आवश्यक समझे, राष्ट्रपति आदेश द्वारा एक वित्त आयोग का गठित किया जाना संभव होगा, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक सभापति और 4 अन्य सदस्य मिलकर बनेगा। ये अनुच्छेद 280 कहता है। संविधान के इस अनुच्छेद की अनुपालना में संसद द्वारा वित्त आयोग अधिनियम 1951, जिसे संशोधित अधिनियम 1955 में पारित किया गया, इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति नियुक्त होगा जो सार्वजनिक जीवन का अच्छा अनुभव रखता हो। अध्यक्ष के अलावा 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाएंगे। जिनकी योग्यताएं इस प्रकार से निर्धारित होगी। कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या न्यायाधीश नियुक्त करने की योग्यता रखता हो। ऐसा व्यक्ति जिसके पास वित्त और लेखा का विशिष्ट ज्ञान हो, विशेषज्ञ हो। ऐसा व्यक्ति जो वित्त और प्रशासनिक मामलों का व्यापक अनुभव हो, विशेषज्ञ हो। ऐसा व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो। उन अध्यक्ष सहित 4 सदस्यों को जोड़कर 5 सदस्य का ये वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। जैसा कि वर्तमान में 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग का गठन को मंजूरी दी गई, जिसका कार्यकाल 2020-2025 अर्थात 2020 से 2025 तक रहेगा। 27 नवंबर 2017 को, जैसा कि 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी गई और 27 नवंबर 2017 को राज्यसभा के पूर्व सदस्य और भारत के पूर्व सचिव श्री एनके सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया। और इनके साथ 4 सदस्य रखे गए, शक्तिकांत दास भारत सरकार के पूर्व सचिव जिन्होंने इस्तीफा दे दिया, उसके पश्चात उनकी जगह अजय नारायण झा, शक्तिकांत दास की जगह इनको रखा गया, डॉक्टर अनूप सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर जॉर्जटन विश्वविद्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका,
तीसरा सदस्य अशोक लाहोड़ी अध्यक्ष बंधन बैंक, वित्त एवं प्रशासनिक विशेषज्ञ अनुभव। और रमेश चंद्र सदस्य नीति आयोग। अशोक लाहोड़ी और डॉक्टर रमेश चंद्र दोनों अंशकालिक सदस्य बनाए गए। इस प्रकार से ये सदस्य का एक अध्यक्ष और चार सदस्यों के रूप में एक वित्त आयोग की संगठनात्मक संरचना, 15वें वित्त आयोग में, वर्तमान में जो 15वां वित्त आयोग है उसका गठन किया गया। 15वें वित्त आयोग के गठन से ही राज्यों ने जो इस प्रकार से योग्यता और अपनी सार्वजनिक सेवा के रूप में जिस प्रकार से गठन हुआ, उसी समय से राज्यों की जो मांग है वो उठने लगी कि इस 15वें वित्त आयोग ने सहकारी संघवाद की अवधारणा पर कुठाराघात माना गया है। यानी कहने का मतलब, 15वें वित्त आयोग के गठन के पश्चात ही सहकारी संघवाद, जो कोऑपरेटिव यूनियनिज्म है, संघवाद है, की अवधारणा पर कुठाराघात माना गया है। उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच जानबूझकर भेदभाव के रूप में मानते हैं इसे, जैसा कि संवैधानिक प्रावधान है उसमें अनुच्छेद 280 और 281 के अंतर्गत इसका गठन किया जाना है या गठन किया जाता है। यह अर्धन्यायिक और सहकारी निकाय है। राष्ट्रपति द्वारा 281 में अध्यक्ष और उसके सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और 282 में संसद को शक्ति प्राप्त है कि वह वित्त आयोग का निर्धारण करे। अधिनियम 1951 संशोधित 1955 के द्वारा पारित अर्हता के आधार पर इसके सदस्यों का नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जानी है। इस प्रकार से वित्त आयोग का गठन किया गया है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष 27 नवंबर 2017 को श्री एन के सिंह को यह दायित्व सौंपा गया, जिसका कार्यकाल 2020 से 2025 तक रहेगा। इस प्रकार राज्यों और संघ में वित्तीय संबंधों का स्पष्ट विभाजन हो और उसके रूप में कोई किसी तरह का मतभेद वाली स्थिति उत्पन्न नहीं हो, जैसा कि इस प्रकार से स्पष्ट किया गया है, जिसका जो उद्देश्य है, संघीय सरकारों द्वारा राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता, अनुदान और करों से प्राप्त राशि का विभाजन इस आधार पर होना तय है। विभिन्न राज्यों में असंतोष उत्पन्न न हो, उनके विकास में असंतुलन न हो, क्षेत्रीय विकास में कोई असंतुलन पैदा नहीं हो, उन्हें आवश्यकता व परिस्थितियों के अनुसार सहायता मिले और संघ और राज्यों के बीच में सौहार्द बना रहे। इस दृष्टि से ये वित्त आयोग का संगठनात्मक अनुच्छेद 280 के अंतर्गत ये किया गया है। अध्यक्ष सहित चार सदस्य होते हैं और वर्तमान में श्री एन के सिंह इसके अध्यक्ष हैं, जो कि चिंता राज्यों का है। आज जीएसटी के लिए राजस्थान सरकार भी बार बार कहती है कि हमारा वो नहीं है, तो सहकारी संघवाद की अवधारणा पर कुठाराघात माना है। और राजनीतिक दृष्टि से या उत्तरी दक्षिणी राज्यों के बीच जानबूझकर भेदभाव के रूप में मानते हैं इसे, तो इस प्रकार से ये एक तरह से गठन का प्रावधान किया गया है। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।